तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडमी 6 के बारे में। तो आज की इस वीडियो में रेडमी 6 फोन है उसका करने वाले थे हम अनबॉक्सिंग, जो रिटेल यूनिट है। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो ये रेडमी 6 का बॉक्स जो फ्लिपकार्ट की पैकिंग के अंदर आता है, तो ये रिटेल यूनिट है। तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं कट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, और साथ में जो फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिएगा कुछ इस तरह से आपको मिलता है। तो देखिए दोस्तों, रेडमी 6, तो देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा रेडमी 6 से, और इस तरफ आपको कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। तो ऊपर की तरफ बात करें तो इसके अंदर देख लीजिएगा एक बार। प्राइस की बात करूँ तो मैं 8999 जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है, और जो वेरिएंट है गोल्ड कलर के अंदर 3 GB और 32 GB वेरिएंट में परचेजिंग है। और पीछे की तरफ बात करें तो आपको मिल जाता है रेडमी 6, जिसके अंदर आपको 12+5 MP का AI डुअल रियर कैमरा मिलता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है आपको, हीलियो P22 मिलता है आपको, और जो आपको डिस्प्ले है वो 5.45 इंची का फुली HD डिस्प्ले मिलता है, जो 18:9 में है। फिंगरप्रिंट के साथ मिलता है आपको गोल्ड 3 GB 32 GB वेरियंट में मिलता है। साथ में आपको डुअल 4G स्टैंडर्ड मिलता है, LTE यानी कि 3G 4G सब इसको सपोर्ट करेगा। ऑक्टा कोर 2.0 GB का इसके अंदर प्रोसेसर आपको मिलता है। बैटरी की बात करें तो आपको 3000 mAh की मिलती है, और सिम ट्रे की बात करें तो आप दो नैनो सिम और साथ में एक SD कार्ड जो लगा सकते हो। फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है आपको MIUI के ऊपर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इस फोन का, और नीचे कुछ नहीं। तो चलिए फिर इसका जो है सील ब्रेक कर लेते हैं, और उसके बाद आपको फोन का फर्स्ट लुक दिखाते हैं। तो चलिए, फोन निकल चुका है, और फोन ऊपर से देखने में कुछ इस तरह से मिलता है। और देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, यूजर गाइड जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर फोन के बारे में बताया हुआ है। अगर आप इनको रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हो, और साथ में मिलता आपको एक अडैप्टर चार्जर। तो इसकी मैं रेटिंग आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए देखिए, इसके अंदर आपको 5V 1 A का चार्जर मिलता है, यानी कि 0.2 A है, यानी कि 5V 1 A का इसके अंदर चार्जर मिलता है, जो पहले आता था, अभी फिलहाल 2 A के चार्जर आने लगे हैं। और आपको पोर्ट की बात करें तो इसके अंदर आपको डी पोर्ट मिलता है, सी पोर्ट इसमें नहीं, यानी कि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। एक आपको मिलती है सिम ट्रे, एक USB केबल, और अच्छा एक चार्जिंग अडेप्टर। तो चलिए उसके बाद ऊपर से हम इसका निकाल लेते हैं। इस बार जो है ना, Xiaomi के जो फोन है वो हीलियो P20 के ऊपर अपडेट है, यानी कि आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद इसको मैं बूट कर लेता हूं, तब तक उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, फोन है जो बूट हो चुका है, फिंगरप्रिंट हमने ऐड कर लिया इसके अंदर, आपको दिखा देते हैं फिंगरप्रिंट कितना वर्क करता है। फिंगरप्रिंट देखा जाए तो काफी फास्ट है इस फोन का, और कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है इस फोन का जो डिजाइन है। बात करें तो इसमें आपको कहां पर क्या कुछ मिलता है, एक आपको मिलता है माइक यहाँ पे। इस बारे में बात करें तो इंफ्रारेड यानी कि IR ब्लास्टर इसके अंदर नहीं दिया गया है कहीं भी। बात करें आपका ऑडियो जैक 3.5, आपका 2 SIM कार्ड्स। तो चलिए मैं इनको पहले ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो कुछ
यानी कि ये एक छोटा ही सिम यानी कि यहाँ पे लगा है एक सिम कार्ड, और इस तरफ की बात करूँ तो दो यानी कि माइक्रो एसडी कार्ड और सिम कार्ड यहाँ पे लग जाएगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों नीचे की तरफ हम बात करें तो आपको एक माइक और एक मिलता है आपको आपका चार्जिंग पोर्ट, और साइड की मैं बात करें तो आपको मिलता है आपका पावर बटन, वॉल्यूम अप डाउन बटन। पीछे की तरफ हम बात करें तो आपको मिलता है आपके फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर, फ्लैश और डुअल कैमरा जो 13+5 मेगापिक्सल के अंदर आपको मिल जाता है, MI का लोगो। और बात करें तो इस फोन में पीछे की तरफ स्पीकर है ना कि नीचे की तरफ। तो चलिए कर लेते हैं फ्रंट ऑप्शन की बात। तो फ्रंट में आपको मिलता है एक कैमरा, एक सेंसर और बीच में मिलता है आपका स्पीकर। और कैमरे की बात करो तो आपको इस साइड कैमरा मिलता है, इस साइड ये सेंसर मिलता है। तो कुछ इस तरह से इस फोन का डिजाइन था। तो चलिए फटाफट सेटिंग में चलते हैं और इसके अबाउट सेक्शन में जाके देखते हैं कि इस फोन में क्या कुछ स्पेसिफिकेशन मिलती है जो स्टोरेज वगैरह का स्पेस दिया गया। तो मॉडल नंबर की बात करें तो Redmi 6 है, एंड्रॉयड वर्जन 8.1.00 यानी कि 8 आपको मिलता है। ओरियो का जो है MIUI जो 9.6 आपको स्टेबल रोम के अंदर मिलती है, और ऑक्टा कोर मैक्स प्रोसेसर यानी कि हीलियो P22 का इसके अंदर प्रोसेसर मिलता है जो 2GB पे प्रोसेसिंग करता है। रैम की बात करें तो 3GB के है, और स्टोरेज की बात करें तो 32GB के अंदर से आपको 23.91GB तक यानी कि 24GB तक का ही आपको इसके अंदर स्पेस मिलता है। तो ये था एक इस फोन का एक छोटा सा रिटेल यूनिट अनबॉक्सिंग। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इसके कैमरे की बात और कर लेते हैं, हमें कैमरा एक बार देख लेते हैं कि आपको कैमरा क्वालिटी कैसा मिलता है। तो चलिए मैं एक जो पिक्चर है वो शूट करता हूं, और कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो काफी ज्यादा वो तो नहीं है साफ, मतलब पोर्ट्रेट मोड में पोर्ट्रेट मोड और इसका देख लेते हैं है या इसमें नहीं दिया। पोर्ट्रेट मोड आपको मिल जाता है तो काफी ठीक ठाक है, 8000 रुपये की रेंज में आपको काफी कुछ अच्छा मिल जाता है। तो दोस्तों ये था इस फोन का एक छोटा सा अनबॉक्सिंग जो रिटेल यूनिट थी, और देखिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिले था इस फोन का डिजाइन। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और दोस्तों इस फोन का बहुत जल्द आपको टीयर डाउन वगैरह का वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं इस फोन को जो ओपन करके आपको दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।